वालेकुम एवरीवन, जैना कुकिंग किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं प्रॉन्स का पुलाव। जी हाँ, इसे कहते हैं झींगा। ये हमने छील कर रखा है, इसी का हम आज तेज पुलाव बनाने वाले हैं। क्या क्या प्रिपरेशन चाहिए हमें, क्या क्या इंग्रेडिएंट चाहिए वो हम देखते हैं। उससे पहले आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मैं ऐसे ही डेली न्यू डिश आपके लिए ला दे रहूं। तो बिना टाइम गवाए लेट्स गेट स्टार्टेड। पहले हमने लिया है बहुत सारी मिर्ची, ये कम से कम 6 से 7 मिर्ची है ये लेना है हमें। इसे सभी मिश्रण को हमें पीसना है, तो 6 से 7 हमने मिर्ची लिया है, इसे हम बारीक पीस लेंगे। ये अखा मसाला है, गरम मसाला। इसमें काली मिर्ची, लौंग, दालचीनी हमने लिया है। इसी के साथ हमने लिया है कोथमीर, हमने लिया है गार्लिक जिंजर जो हमें पीसना है, और ये वटाना लिया है। पुलाव के लिए काफ़ी अच्छा रहता है, दिखने के लिए भी बहुत अच्छा दिखता भी है। तो हमने हरा वटाना लिया है जो हम प्रॉन्स में ऐड करेंगे। इसी के साथ हमने लिया है 3 आलू। ऑप्शन है, अगर आप ले सकते हैं तो अदरवाइज इसे स्किप भी कर सकते हैं, डिपेंड करता है आपके ऊपर। इसी के साथ हमने लिया है 2 प्याज, इसे हमें बारीक पीसना है। 2 टमाटर लिया है, इसे भी हम बारीक पीसेंगे। हमने 1 चम्मच रेड चिली पाउडर लिया है, नमक स्वाद अनुसार, गरम मसाले लिया है पिसा हुआ, हल्दी लिया है आधी चम्मच के अंदर ही, बहुत कम लिया है हमने। हमने 2 प्याज अलग से लिया है, इसे हम लाल फ्राई करेंगे और सारे जो मसाले हैं पीस कर हम इसमें ऐड करेंगे। आप देख सकते हो हमने प्रॉन्स लिया है, उसे अच्छे से छील कर धोकर रखा है। अब हम इसे बॉईल भी करेंगे। इसी के साथ आधी कटोरी हमने दही भी लिया है। ये प्रॉन्स को हमने अच्छे से धोकर रखा है, इसे हम बॉईल करेंगे अभी। और इसी के साथ सबसे पहले मेन इंपॉर्टेंट बात है कि हमने लिया है कोलम चावल। आप देख सकते हो आपको कोलम चावल लेना है, हमने 1.5 किलो लिया है, जिसमें से हम थोड़ा यूज़ करेंगे बाकी का रखेंगे। तो देखिए, आप देख सकते हो आपको कोलम चावल लेना है, काफ़ी अच्छा होता है ये और खुला खुला भी पकता है। तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला हमने प्रॉन्स को है ना बॉईल करने के लिए रखा है। आप देख सकते हो इसका पानी सूख चुका है, अच्छे से इसे पानी सुखाना है, फिर हम प्रिपरेशन करेंगे मसालों की। देख सकते हो झींगा अच्छे से सूखने के लिए आ चुका है, पूरा पानी सूखने आ गया है। अब हम प्रिपरेशन करेंगे मसालों की। तपेली अच्छी गर्म हो चुकी है, अब हम इसमें ऐड करेंगे तेल। अच्छे से गर्म हो चुका है, अब हम इसमें ऑनियन ऐड करेंगे, लाल होने तक का उसे भुने। प्याज को सुनहरा होने तक का हमें पकाना है। प्याज हमारा सुनहरा हो चुका है, अब हम गार्लिक जिंजर का पेस्ट। 2 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसमें ऐड करेंगे ग्रीन चिली और कोथमीर का पेस्ट ऐड करेंगे। मसाले को 2 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसमें ऐड करेंगे ऑनियन का पेस्ट। मसाले अच्छे से पक चुके हैं, अब हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर की प्यूरी। तकरीबन आप जैसा तीखा खा सकते हो उसी हिसाब से आप ग्रीन चिली लीजिए, उसी हिसाब से ऐड करें। इसमें ऐड करेंगे जो अखा गरम मसाला है वो ऐड करेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे पूरे मसाले जो हमने लिया है, रेड चिली पाउडर, गरम मसाला, हल्दी और नमक, ये ऐड करेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे दही। अब हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर, थोड़ी हरी मिर्च, अखी। मसाला अच्छे से पक चुका है, अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे जो बचा हुआ था वो ऐड करेंगे। आप देख सकते हो मसाले अच्छे से पक चुके हैं, अब हम इसमें ऐड करेंगे आलू। अब हम इसमें ऐड करेंगे प्रॉन्स, अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे और इसे 2 मिनट तक पकने देंगे। उसके बाद हम इसमें पानी ऐड करेंगे। पानी ऐड करने के बाद जब पानी बॉईल हो जाएगा इसमें, तब हम चावल ऐड करेंगे। इसमें चावल को हमने आधे घंटे पहले भिगा के रखा था, तब हम इसमें चावल ऐड करेंगे। मसाले अच्छे से पक चुके हैं झींगे के साथ, अब हम इसमें वटाना ऐड करेंगे। हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसमें हम पानी ऐड करेंगे। पानी उस हिसाब से लीजिए जिस हिसाब से आपका चावल है, यानी ज़्यादा गलाना नहीं है। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। हमने पानी ऐड किया है, अब हम इसे बॉईल होने के लिए ढक के रखेंगे और उसके बाद हम चावल ऐड करेंगे। चावल को हमने आधे घंटे पहले भिगा के रखा था, आप देख सकते हो, ताकि अच्छे से जल्दी गल जाए और नरम होके जल्दी पक जाए, इसलिए ये आधे घंटे पहले भिगा के रख दीजिए धोकर। चेक करते हैं कि पानी बॉईल हो चुका है यानी अच्छे से मसाले का। तो आप देख सकते हो इसी बॉईल में हम चावल ऐड करेंगे। हमने धोकर रखा है और उसे आधा घंटे पहले भिगा के रखा था। चावल हमने ऐड कर दिए हैं, अभी हम इसे 15 मिनट तक का रखेंगे, जब तक ये पक जाएगा। उसके बाद मैं फाइनल प्रिपरेशन आपको बताती हूँ। आप देख सकते हो चावल का पानी अच्छे से सूखने आ चुका है, अब हम इसे दम पर रखेंगे करीब 5 मिनट पर। लेकिन दम पर रखने के लिए नीचे हम तवा रखेंगे और उसके बाद इसे ढक कर 5 मिनट तक का पकाएंगे, फिर मैं फाइनल इसका लुक आपको बताती हूँ कैसा है दिखने में। 20 मिनट हो चुके हैं एवरीवन, अब हम इसे ओपन करके देखते हैं कि पक चुका है कि नहीं, और इसका फाइनल लुक मैं आपको बताती हूँ।
फाइनली आप देख सकते हो एवरीवन, एक एक चावल का जो दाना है वो खिला खिला पक चुका है और खुले खुले चावल हो चुके हैं। माशाल्लाह आप देख सकते हो पुलाव का कलर भी काफ़ी अच्छा दिख भी रहा है, खिला खिला भी चावल हो गए हैं, खिले खिले चावल हो चुके हैं आप देख सकते हो। अब हम इसे फाइनल गार्निश करेंगे। फाइनली एवरीवन हमारी डिश रेडी हो चुकी है, आप देख सकते हो माशाल्लाह चावल भी काफ़ी अच्छे खिले खिले दिख रहे हैं और बहुत ही अच्छा भी दिखने में भी डिलीशियस भी लग रहा है। हमने इसे कचुंबर के साथ सर्व किया है, तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई करें अपने घर में और मेरे YouTube चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मैं ऐसी ही वीडियो आपके लिए बनाते रहूँ। थैंक यू सो मच एवरीवन, टिल देन बाय एवरीवन।